नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। आइए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर हाथरस पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जताई है और कहा है कि पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने हाथरस सदर के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीना के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल और पूर्व सांसद ममता ठाकुर ने कहा है कि जब वो लोग हाथरस पीड़िता के परिवार वाले से मिलने जा रहे थे तो एसडीएम प्रेम प्रकाश ने उन्हें कथित तौर पर उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया था और उन्हें धक्का दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ सकती है। पार्टी रविवार को इसका ऐलान कर सकती है। संभव है कि एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच की मांग की। मायावती ने कहा कि जांच की शुरुआती रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगती, साथ ही इस कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। लाहौल घाटी के बाशिंदे के लिए आज बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण करने जा रहे हैं। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बसपा संघ मिलकर बनाए गए मोर्चे में सीट उम्मीदवार पर आपसी सहमति बन गई है। बसपा बिहार में करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी की 153 सीटें आरएलएसपी को दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित हाथरस कांड पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में शिवसेना भी योगी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मांग की कि हाथरस कांड की जांच मुंबई पुलिस से कराई जाए। उत्तर कोरिया के राज्य मीडिया केसीएनए ने कहा है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सहानुभूति का संदेश भेजा है और उन्हें जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस से ठीक होने की उम्मीद जताई है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को थिएटर में अब रिलीज नहीं किया जा रहा है। जिस फिल्म को पहले दिवाली पर रिलीज करने पर विचार किया जा रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। मेकर्स के मुताबिक थिएटर जरूर खोले जा रहे हैं, लेकिन सभी राज्य ऐसा करते नहीं दिखेंगे। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 14वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हरा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए युवा प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी की मदद से 5 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।